नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठर। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कोविड 19 की वैक्सीन को लेकर तरह तरह के प्रचार प्रसार करने में जुटी है। वहीं जिला सिवनी में वैक्सीन की भारी कमी से जिलेवासी वैक्सीन सेंटरों से निराश होकर वापस लौट रहे हैं। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा अपने वाहन में स्पीकर लगाकर गांव गांव जाकर वैक्सीन लगाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और विधायक द्वारा ऐलान भी किया गया है कि जो ग्राम पंचायत 100% वैक्सीनेशन करवा लेगी उस ग्राम पंचायत को वे 10 लाख रुपए की राशि से सम्मानित करेंगे, किंतु वैक्सीनेशन की कम उपलब्धता के कारण कोई भी ग्राम पंचायत इस लक्ष्य के करीब तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे संवाददाता राजेश शिवहरे द्वारा प्रतिदिन वैक्सीन सेंटरों का दौरा किया जा रहा है और वहां व्याप्त अव्यवस्था से प्रशासन को अवगत कराया जाता है, लेकिन अब तक व्यवस्था में सुधार लाने कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। विगत दिनों जिला चिकित्सालय के पूर्व मुख्य चिकित्सक मेश्राम द्वारा आयुष मंत्री को अवगत कराया गया कि सिवनी जिले को अन्य जिलों की भांति पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ये शिकायत मुख्य चिकित्सक को भारी पड़ गई, उन्हें तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य चिकित्सक को प्रभार दे दिया गया है। हालांकि सिवनी के प्रभारी मंत्री एवं आयुष मंत्री द्वारा जिले में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने का और इस संबंध में सीएम चौहान से बात करने का आश्वासन जरूर दिया गया है। अब देखना है कि कब सिवनी जिले को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। क्या दिक्कत जा रही है आपको? दिक्कत ये जा रही है, बोलो बोलो। 4 दिन से हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 5-6 दिन हो गए। इन लोग आधार कार्ड पीछे से गट्ठा बना के पीछे से जेब से ले जा रहे हैं और उधर जाके अंदर जमा कर रहे हैं उन लोग। मेरा बेटा 3-4 दिन से होगा चक्कर काट रहा है, मेरा बेटा भी डॉक्टर है और लड़की यूपीएससी तैयारी कर रही, बाहर जाके वो क्या कर रही, वो बाहर से आई इंजेक्शन लगवाने के लिए। अगर 18 साल से पहले की लगती तो हम लोग पहले से लगवा लेते, मेरे को कोरोना हो गया इसलिए मैंने नहीं लगवाई। क्या दिक्कत जा रही है आपको? मैं तीरनी से वापिस जा रहा हूँ, यहाँ पे मुंह देख देख के यहाँ पे आधार कार्ड लिया जा रहा है। मेरा बेटा क्या ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी सबकी वीडियो बनाऊंगी। खुद मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर होने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ, ईमानदारी से लगना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से नहीं लग रहा है वैक्सीनेशन यहाँ पे। क्या दिक्कत जा रही है, क्या परेशानी? क्या आमदनी नहीं, यहाँ पे मुंह देखा दिया जा रहा है कि आधार कार्ड चुपके से लिया जाता है और अब वहाँ से नाम अंदर से पुकारा जाता है। अब अदरवाइज ईमानदारी से करता है, टोकन दीजिए ना और सबको वो करवाई। अब वहाँ पे आप बोल दिए थे, सर ये हमारे जिले को ये वैक्सीन कम आ रही है, वैक्सीन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जी मुख्यमंत्री। लेकिन वैक्सीन बहुत कम आ रही है, मैं वैक्सीन सेंटर रोज जा रहा हूँ, लोग वापस जा रहे हैं, बरसात में आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं और वो वापस हो जाते हैं। या तो उन्हें नंबर दे दिया जाए, टोकन नंबर, कि इस डेट पे आपको वैक्सीन लगेगी, इसकी जानकारी न स्वास्थ्य विभाग देता है न वहाँ स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहता है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ अभी, देखिए हमारे विधायक दिनेश राय मुनमुन जी, मैं आपकी बात जी, मेरा आपसे आग्रह है 50% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जी। गांव से शिकायत आई कि कुछ लोगों को नेट की उपलब्धता ना नहीं, ये बात तो कांवरे जी ने भी हमसे बोला था, मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से। मेरी बात सुन जी, 50% अब हम ऑनलाइन करते हैं, 50% अनरजिस्ट्रेशन करते जी, उसमें भी ये कार्रवाई के लिए दे देंगे कि अगले 4 दिन का शेड्यूल वो दे दिया करे जी, ताकि जितने भी आए उन्हें दोबारा टाइम पे ही आना पड़े। हाँ, उन्हें सूचित किया जाए कि आपको इस दिन लगेगी वैक्सीन, इस बात पे चिंता कर रहे हैं। ठीक है, सर मैं वैक्सीन सेंटरों का दौरा कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियो है, लोग वैक्सीन सेंटर से लौट लौट के जा रहे हैं। इस संबंध में मैं सीएमओ मेश्राम जी से भी मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं कि वैक्सीन के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और निश्चित रूप से वैक्सीन के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात की है, वैक्सीन की व्यवस्था होगी और आने वाले समय लगातार हम हर परिवार तक के वैक्सीन लगाने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीएमओ महोदय का कहना है कि सिवनी जिला को वैक्सीन कम प्रदान की जा रही है। मैंने बढ़ाने के टारगेट बढ़ाने की चर्चा कर लिया हूँ, बहुत जल्दी टारगेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।